तो भाई इस खेत में मैंने पानी लगा दिया है और ये देखो यहाँ से ये पानी गिर रहा है और उधर के खेतों में जा रहा है। तो ये पूरे खेत में पानी जाएगा यहीं से, ठीक है। ये हम इस तरीके से बंद करते हैं कि इसमें कोई अंदर न जा पाए, यानी कि जंगली जानवर होते हैं जो अंदर खेतों में नुकसान न करे, तो इस तरीके से ये बनाया हुआ है। तो ये वाला खेत है मेरा, एक ये वाला खेत भी है जिसमें अदरक लगा रखा है और साथ में ये खेत भी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। अभी सुबह की बज चुकी है 8 और अभी सुबह आज मौसम हो रखा है बारिश जैसा, क्योंकि अभी धूप नहीं आई है और पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है, आप देख सकते हैं। और गांव में झार की हरियाली, तो यहाँ पर है मंदिर और यहाँ से निकलते हैं हम आगे। तो इस वीडियो में वैसे कर दिखाऊँगा मैं आपको अपना घर, जहाँ पर मेरे अपने बैल भी हैं और हम रहते भी हैं, यहाँ पर हम अपना सामान भी रखते हैं। तो आप वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये है हमारा एक घर, ठीक है। यहाँ पर ही हमारे बैल इस वाले कमरे में रहते हैं, इस वाले में उनके लिए घास रखी रहती है, ठीक है। एक तो ये है हमारा घर और दूसरा दिखाता हूँ। देखो बैल, देखो बोल रहा है कि मुझे खूह में खोलो। सो ये वाला यहाँ पर हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ये और एक ये, ठीक है। आजकल थोड़ा सा जिसका है दरवाज़ा टूट चुका है, ठीक है, क्योंकि ये दादा लोगों के ज़माने का है और काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो घास रखा जाता, तो कुछ इस प्रकार ये वाला हमारा घर है। दूसरा ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं, जो ये वाला सुंदर सा ये घर, और इसमें रहते हैं ऊपर और नीचे, इसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अरे बगल वाला है ये देखो, टूट चुका है पूरा। तो कुछ इस प्रकार है यहाँ पर रहने के लिए। आजकल तो आंगन में भी बहुत घास जम चुकी है, देख लो बैल यहीं पर अपने पेट भर लेंगे, इतना घास जमा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगल बगल इतना हरियाली हो रहा है कि घर के सामने से कुछ इस प्रकार का व्यू है। अभी तक मैंने आपको अपना घर दिखाया, आपने अपने हमारा घर देखा हुआ। अभी मैं आ चुका हूँ कपड़े धोने। ये देखो मेरे बैल अभी पानी पी रहा है, बैल अभी पानी पी रहे हैं। और ये मैंने अपनी बाल्टी रखी हुई यहाँ पर, सामने बाल्टी देख सकते हैं। तो बाल्टी मैंने कपड़े ला रखे हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा है। फाइनली मैं कपड़े धो के ला चुका हूँ और देख सकते हैं धूप तो नहीं है आज, लेकिन मैंने कपड़े फिर भी सुखाने डाल रखे हैं, बिकॉज कल मुझे कहीं जाना है। सो गाइस फाइनली पहुँच चुका मैं अपने खेतों की तरफ और बैल भी साथ में मेरे इधर ही आ गए यार। और जो वाला नीचे वाला खेत दिख रहा है ना, ये खाली खाली था, जिसमें अदरक लगा रखा है और इसमें है धान, ठीक है। इसमें तो फिलहाल मुझे इस वाले खेत में पानी लगाना है, धान वाले में। वहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे, वहाँ से पानी आता है और यहाँ से होके और ये बना रखा है जहाँ पे पानी को किया जाता है स्टोर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये इसमें पानी को स्टोर किया जाता है। वहाँ पे सामने इसको खोलने के लिए वो बना रखा है, इसे कहते हैं पहाड़ी स्टाइल में, ठीक है, ठीक है। और जो इसको बंद करते हैं ना, जब ये खाली होती है टंकी, तो उसके बाद बंद करते हैं तो इस गोबर से करते हैं, ठीक है। और ये है पहाड़ी स्टाइल में, अब इसे खोलूँगा मैं। इसमें कैसे खोलते हैं, फिलहाल इसमें देखो ये वाला दे रखा है, ये पत्थर, रे पत्थर मैंने साइड रखा है, एक रस्सी दे रखी है, मैं इस रस्सी को खींचूंगा और फिर यहाँ से पानी निकलेगा नीचे और जाएगा खेतों की तरफ। मेरे बैल देखो नीचे यहाँ पहुँच गए। तो ये वाला खेत है मेरा, एक ये वाला खेत भी है जिसमें अदरक लगा रखा है और साथ में ये खेत भी है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी टंकी जो है वो खाली हो चुकी है, पूरा पानी था वो चला गया है खेत में, टंकी हो चुकी है खाली। तो भाई अब करने वाला मैं इसको बंद, इसको तो इसे बंद करने के लिए देखो मैंने गोबर लाया हूँ, गाय और भैंस का गोबर है, इससे मैं इसे बंद करूँगा, ठीक है। पहले रखूँगा कपड़े से उसको बंद करूँगा, उसके बाद बाहर से इसकी लेप कर दूँगा गोबर की, ठीक है। फिलहाल मेरे बैल भी मेरे अगल बगल ही अपना पेट भर रहे हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। तो चलो मैं इसको बंद करता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि मैंने अभी खेतों में पानी लगाया था और साथ ही अपना घर आपको दिखाया था, और उसमें देखा होगा आपने कि कैसे हमारे यहाँ पर खेत में पानी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पहले पानी को एक टंकी बना के स्टोर किया जाता है, फिर खेतों में खोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार था। और आजकल आपको पता ही हरियाली बहुत हो रखी है, गांव में बहुत हरा भरा हो रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में, फिलहाल आप लोग अपना ख्याल रखिए।